बनाएंगे हम लौकी और आलू की सिंपल सी सब्जी। तो उसके लिए हमें सामान चाहिए, थोड़ा मैंने साबुत लहसुन काट लिया है, थोड़ा एक प्याज काट लिया है और दो टमाटर काटे हैं मैंने बारीक, और दो चार कड़ी पत्ते लिए हैं मैंने। सब्जी बनाने के लिए मैंने सरसों के 2 बड़े चम्मच ऑयल ले लिया है। अभी हम इसमें जीरा डालेंगे। पहले इसमें हम साबुत लहसुन डाल देंगे और फ्राई करने देंगे। बारीक कटी हुई प्याज डाल देते हैं और इसको फ्राई कर लेते हैं। बारीक कटी हुई कड़ी पत्ता डाल देंगे। प्याज फ्राई हो चुके हैं, अभी हम इसमें आलू और लौकी डाल देते हैं। पहले हम 1 चम्मच नमक डाल देंगे, उसके बाद हम 2 चम्मच धनिया डाल देंगे, उसके बाद हम 2 चम्मच लाल मिर्ची डाल देंगे, उसके बाद हम हल्दी पाउडर डाल देंगे 1/2 चम्मच। मसाले पक के तैयार हो चुके हैं, अभी हम इसमें आमचूर पाउडर डाल देंगे। लौकी तो थोड़ा इसमें दूध डाल देते हैं, दूध डाल के फिर हम थोड़ी देर पकाएंगे, नहीं तो दूध फट सकता है। ये हमारी लौकी दूध वाली बनके तैयार हो गई है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।